एक तरफ जहां राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 18 जुलाई नजदीक आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बगावत से जूझ रही शिवसेना अभी तय नहीं कर पाई है कि उसको यशवंत सिन्हा को वोट देना है या फिर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाना है। वहीं शिवसेना पार्टी में चल रही बगावत आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में और खुलकर सामने आ सकती है। विधायकों के बाद शिवसेना के कुछ सांसद पार्टी लाइन से अलग जाते दिख रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। सोमवार को उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में 19 में से कुल 11 सांसद मौजूद रहे थे। उस बैठक के दौरान ज्यादातर सांसदों ने उद्धव से अपील की है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। इस मीटिंग में शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की बात कही है। वह चाहते हैं कि इस राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना की तरफ से विपक्ष के साझा उम्मीदवार का समर्थन किया जाए। ऐसे में अब फैसला उद्धव ठाकरे के पाले में है। वे मुर्मू के साथ जाने का मन बनाते हैं या विपक्ष का समर्थन कर आगे की राजनीतिक बिसात बिछाते हैं।